हेलो एवरीवन, सो टुडे इज द थर्ड डे ऑफ आवर डेली एमसीक्यूज फॉर टेस्टनेट 2021। तो इसके पहले भी हम दो वीडियो ऐसा है जहां एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, तो आप में से जो लोग नए हैं वो लोग जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में वो फाइंड कर सकते हैं और वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। ऐसे में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कॉमेंट में। तो आज जो है 17th क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इट सेज विच बॉलीवुड एक्टर हैज फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट। तो ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इनमें जिनका नाम आता है खासकर इंडिया से, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बॉलीवुड एक्टर का पूछा है किसका नाम था। ऑप्शन दिया गया है आपको पंकज त्रिपाठी, देन यू हैव राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना एंड सुशांत सिंह राजपूत। तो ऐसे ऑप्शन जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये फैक्ट आप गेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन जो है वो शायद हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये फैक्ट अगर पहले से पता होगा तभी आप श्योर हो सकते हैं कि आपका करेक्ट होगा। सो इसमें जो है ज़्यादा आप गेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। तो आप आयुष्मान खुराना जो है वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट में आए हैं टाइम मैगजीन के, और इनकी कई सारी मूवीज़ आई थी पिछले साल जो कि बहुत हिट हुई थी और उनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, तो इसलिए वो बहुत लाइमलाइट में थे। अब आगे देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली रिमूव फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट। तो थ्री अमेंडमेंट्स आप बोल सकते हैं या थ्री एक्ट्स लेके आई है गवर्नमेंट, जिसको फार्म बिल बोलते हैं तीनों को एक साथ में। तो वो फार्म बिल को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, आपको पता होगा दिल्ली हरियाणा जो बॉर्डर है वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का। तो उसमें से एक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड किया गया है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है क्या, इसमें कुछ ऐसे कमोडिटीज़ को डाला गया है जिसका होल्डिंग आप नहीं कर सकते हैं, और ये बना था 1955 में, लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट लाके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी कि अब उनका होल्डिंग जो होगा या स्टोरेज जो होगा आप कर सकते हैं। तो इस पे किसानों का कहना है कि अगर वो होर्डिंग अलाउड होगा तो उससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और कॉरपोरेट्स जो होंगे उनको फ़ायदा होगा, न कि किसानों को, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन उसी के ऊपर है, कौन से ऐसे चीज़ हैं जो एसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है सीरियल्स, दूसरा ऑप्शन बोलता है ऑयल्स, और तीसरा बोलता है पोटैटो एंड अनियंस, और डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो राइस और वीट है उनको हटा दिया गया है, यानी कि ए सही होगा। और बी में जो है वेजिटेबल ऑयल्स जैसे होते हैं, सरसों का तेल होता है या जो भी होता है, तो उसको भी हटा दिया गया है। और सी जो है पोटैटो एंड अनियंस, इनको भी हटा दिया गया है। तो ये एक्ट आपको जाके क्या अमेंडमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और हो सकता है एक क्वेश्चन उसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ कम टू 19th क्वेश्चन, इट सेज विच इंडियन हैज वॉन द UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2020। तो ये चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये 2018 में आई थिंक आपको हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी उनको दिया गया था, और एक नया अवार्ड शुरू किया गया है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड तो एक है ही, यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड रिसेंटली शुरू किया गया है, तो वो एक इंडियन को मिला है, मतलब बहुत सारे लोगों को मिला है जिसमें एक इंडियन है। तो वो कौन है, ऑप्शन दे दिया जा रहा है विद्युत मोहन, देन लिकी प्रिया कांगोजाम, देन रिधिमा पांडे, देन अभिनव मोहन। तो आउट ऑफ विच आप कौन सा सही ऑप्शन है आपको मारना है। तो इसमें आपको
थोड़ा बहुत विद्युत मोहन के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत लिखी प्रिया के बारे में पता होना चाहिए, और हो सके तो रिधमा पांडे के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। अभिनव मोहन मैंने खुद से बनाया है तो वो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, बी और सी जो है वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो कि चाइल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, और ए जो है वो आपका सही ऑप्शन है, यानी कि जो विद्युत मोहन है वो बेसिकली एक इंजीनियर है जिन्होंने एक स्टार्टअप खोला है टका चार। और ये टका चार क्या होता है, जो फार्म रेसिड्यू बच जाता है उससे फ्यूल बनाता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ई हो जाएगा। उसके बाद है 20th क्वेश्चन, ये बोलता है द चाइल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया हु एड्रेस्ड वर्ल्ड लीडर्स एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2019, यानी कि COP 25 जो हुआ था मैड्रिड में स्पेन में, उसको उसने एड्रेस किया था। ठीक है, तो उनको जो है अभी हम देखते हैं पहले नाम। पहला नाम है गीतांजलि राव, दूसरा है कौटिल्य पंडित, और फिर है लिकी प्रिया कंजुगम और तिलक मेहता। तो ये चारों ही नाम जो है थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें गीतांजलि राव जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लिकी प्रिया कंजुगम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो गीतांजलि राव कौन है पहले ये जानते हैं। तो टाइम मैगजीन ने चाइल्ड ऑफ द ईयर करके उनको घोषित किया है कि शी इज़ द चाइल्ड ऑफ द ईयर, वो असल में NRI है। ठीक है, तो टाइम मैगजीन का ये एडिशन जो आया है एक एडिशन, तो उनमें उनको मतलब सामने में उनका फोटो है, तो गीतांजलि राव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इसलिए। दूसरा है कौटिल्य पंडित, आप सबको शायद पता होगा इनको गूगल बॉय बोलते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। सी जो है लिकी प्रिया कंजुगम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका आंसर है, और इनको ग्रेटर थनबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जब एड्रेस की थी तब 8 साल की थी, और इन्होंने ये JEE एग्ज़ाम जो था उसको पोस्टपोन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश किया था। ठीक है, उसके बाद जो है 21 जो कहता है वो बोलता है आई एम नॉट अ मसीहा, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ए ऑप्शन बोलता है मेधा पटकर, बी बोलता है सोनू सूद, सी कहता है अंशु गुप्ता, और डी बोलता है अनुअगा। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेधा पटकर है कौन, क्योंकि टिस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेधा पटकर टिस से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये असल में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बोल लीजिए उस टाइप की हैं। ठीक है, सोनू सूद आपको पता होगा कि बॉलीवुड एक्टर हैं। अंशु गुप्ता जो है एक NGO है गूंज, उसके फाउंडर है, जबकि अनुअगा जो है वो इंडिया में टीच फॉर इंडिया जो NGO है उसको हेड करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सोनू सूद, यानी कि सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी आई है आई एम नॉट अ मसीहा। ठीक है, उन्होंने लॉकडाउन के समय कई सारे मजदूरों की हेल्प की थी। उसके बाद है 22nd क्वेश्चन, ये कहता है द रेसिपियंट ऑफ 2020 तानसेन सम्मान सतीश व्यास इज अ, तो सतीश व्यास जो हैं वो 2020 के तानसेन सम्मान के विनर हैं, और ये तानसेन सम्मान इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था क्लासिकल म्यूजिक से एक क्वेश्चन आता है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन है उसी में एक फैक्ट आपको मिल गया कि तानसेन सम्मान 2020 का किसको दिया गया है, सतीश व्यास को दिया गया है। अब जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि सतीश व्यास मतलब क्या बजाते हैं, तो ए ऑप्शन बोलता है सितार, बी बोलता है सरोद, सी बोलता है संतूर, और डी बोलता है सारंगी। तो वो बेसिकली संतूर प्लेयर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 23rd, द फर्स्ट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी टू बिकम इंडिया CAG इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी टू बिकम इंडिया CAG इज। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, भिकू राम जी इडाटे, देन विर्जीनियस साजा, देन GC मुर्मू, एंड देन अर्हन मुंडा, अर्जुन मुंडा होना चाहिए, तो अर्जुन मुंडा। ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा GC मुर्मू, जो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन शायद आ सकता है।
और बाकी जो लोग हैं जैसे इडाटे हैं या जाजा हैं, तो ये कमीशन बैठा था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ऑफ इंडिया या ट्राइबल ग्रुप जिसको PVTG बोलते हैं, तो उनके ऊपर जो कमीशन बैठा था उसको ये लोग हेड करते थे, ठीक है। और अर्जुन मुंडा जो है वो बेसिकली हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं और JC मुर्मू हमारे CAG हैं और जाजा और इडाटे जो है वो PVTG के ऊपर कमीशन बैठा था, उसके हेड थे। उसके बाद है 24th क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क प्रोडक्ट, तो नेटवर्क प्रोडक्ट जो होता है वो उससे आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेट नेटवर्क, ये बोलता है जो कि इनकरेक्ट है। बी कहता है द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स दैट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। डी बोलता है द प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड थ्रू द इंटरनेट, ये भी इनकरेक्ट है। सी जो है द प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर फ्रैगमेंटेड, तो ये सही होगा। और ये कहाँ दिया गया है, ये बेसिकली डिस्कस किया गया है इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें, उसमें बात कही गई है कि मेक इन इंडिया के तर्ज पे उसी के जैसा असेंबल इन इंडिया को प्रमोट करना चाहिए। तो असेंबल इन इंडिया जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है नेटवर्क प्रोडक्ट पे, यानी कि जैसे एक मोबाइल फोन बनता है तो उसमें बैटरीज होती हैं, उसमें प्रोसेसर होता है, वो सारे चीज़ जो होते हैं ना, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम नेटवर्क प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर वो हमें मिलना शुरू हो जाए तो हम उसको आराम से असेंबल कर सकते हैं, तो इंडिया जो है एक हब बन सकता है उनके थ्रू, और असेंबल इन इंडिया बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकता है, इसीलिए ये टर्म थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि असेंबल इन इंडिया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और बात की हो सके तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए,